हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। को प्यारी सी जय श्री राम। दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं अभी। तुम्हारा भाई देखो नहाने जा रहा है, वहाँ नहा दोगे? दोस्तों नहा दोगे? मिलते हैं दोस्तों। देखो सर, अभी सो के उठाऊँ? जस्ट मतलब 2 बज रहे हैं, 3 बज गए दोस्तों। अब रोटी पानी खाएंगे, नहा दोगे? पहले नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर रोटी पानी खाएंगे और फिर शाम को चलेंगे दोस्तों यहाँ से, क्योंकि यार सब सारी जगह का सीन भी बहुत ख़राब चल रहा है आजकल। और दोस्तों कोरोना दोबारे लग रहा है, तो दोस्तों सब मास्क का यूज़ करें, अपना ध्यान जरूर रखें दोस्तों ऐसे टाइम पे। बाकी हम डे बाय डे देते रहेंगे आपको क्या क्या रहने वाला है। का भाई नहा के आ चुका है, और भाई नहा लिया हूँ मैं, सबसे पहले 3:30 बजे नहाया हूँ दोस्तों, और 3:30 बज गए हैं। लड़का जा रखा है रोटी लेने, अभी खाऊंगा थोड़ा बहुत, 2-3 रोटी खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। और फिर दोस्तों आज का सफ़र हमारा पता कहाँ का होने वाला है? आज का हमारा सफ़र धनबाद टू कोलकाता होने वाला है दोस्तों। कोलकाता में एक पुल टूट गया है, तो शायद हम मंडे को ही पहुँचे सुबह। तो आज रात रात जितना सफ़र कटेगा काटेंगे, और फिर बाकी कल को काटेंगे। और दोस्तों कलकत्ता की मैं आपकी बताता हूँ, कलकत्ता क्या 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 चीज़ में प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। कलकत्ता देखो दोस्तों, सबसे बड़ी पहली बात तो एक राजधानी है, ठीक है। बंगाल एक स्टेट हो गया, कलकत्ता एक राजधानी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो कलकत्ता एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज हब हुआ करता था, हब इंडस्ट्रीज हब मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया हुआ करता था, और आज भी है दोस्तों इंडस्ट्रीज एरिया वहाँ। ज़्यादा करके स्टील प्लांट है, और ट्रेन्स के जो इंजन्स होते हैं ना वो भी बनते हैं दोस्तों, उनकी बॉडी बनती है, और भी बहुत सारे आइटम बनते हैं वहाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये बात है। और कलकत्ता जैसे दोस्तों एक हल्दिया पोर्ट हो गया दोस्तों। कलकत्ता की एक और खासियत है, वहाँ से ना हमारे फॉरेन कंट्री से जहाज आते हैं पानी में, वहाँ कोयला उतरता है जहाज में से। शायद मैं पोर्ट भी जाऊँ इस चक्कर, देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे सीन रहने वाला है। मैं आपको बहुत सी बेहतरीन चीज़ें दिखाने वाला हूँ अगर मैं बड़बिल गया तो आपको असली ट्रक लाइफ दिखाऊंगा दोस्तों। असली ट्रक लाइफ किसे बोलते हैं, बहुत ही तगड़ा लाइफ रहती है दोस्तों ट्रक लाइफ। मैं ना आपको सबको नॉर्मली करके दिखाता हूँ, टायर फट जाता है, हाँ भाई हल्का सा शॉर्ट्स लगा दिया भाई टायर फट गया दोस्तों। ये ना बहुत दिक्कत के काम रहते हैं। देखो अभी तक टायर फटा पड़ा है, मैं उसी टायर पे लेके चल रहा हूँ गाड़ी को। मतलब दोस्तों मैं जो आप सबको दिखा रहा हूँ ना दोस्तों अपने ब्लॉग में, बहुत नॉर्मली दिखा रहा हूँ कि ड्राइवर लाइफ बहुत आसान है, ईजी है, मतलब आपको लगता ही होगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ इतनी हार्ड लाइफ रहती है ना ड्राइविंग, बहुत हार्ड लाइफ है। एक बहुत बड़ा मुझे सबको पता है दोस्तों, हावड़ा ब्रिज है अंग्रेजों के टाइम का। तो खैर अभी तो देखो दोस्तों खाना आ गया है, जस्ट दोस्तों खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। खाना खाने के बाद और भी बातें करेंगे। आज सुबह से दोस्तों अब खाएंगे खाना, सो गया था यार दोस्तों मैं, खाना नहीं खा पाया। 4 बजे देख लो दोस्तों, 4 बज रहे हैं, ये देखो भाई ड्राइव। मैं आपको ना बहुत नॉर्मली करके दिखा देता हूँ दोस्तों व्लॉगिंग में, पर रियलिटी बहुत हार्ड है हमारी। दोस्तों तुम्हारे भाई ने खा लिया रोटी, ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। फाइनली दोस्तों शाम की जय श्री राम, गुड इवनिंग, और निकलते हैं दोस्तों कलकत्ता के लिए। कलकत्ता यहाँ से दोस्तों वैसे है 290 किलोमीटर है, पर 290 ना वो जो हम 900-1100 किलोमीटर गाड़ी चला गए हैं तो उससे भी हार्ड होते हैं 290 किलोमीटर काटते हैं। गाड़ी परसों तक ही पहुंचेगी दोस्तों मंडे, क्योंकि एक पुल टूट चुका है आगे। तो देखते हैं कैसे कैसा सफ़र होने वाला है और कितना हार्ड सफ़र होने वाला है। ड्राइवर लाइफ और सपोर्ट मी गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग
लोग और देते रहेंगे हम आपको। अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार दोस्तों, बहुत इस वक्त सपोर्ट की सबसे ज़रूरत है। और तुम्हारा भाई दोस्तों टाटा प्राइमा लेने वाला है, टाटा प्राइमा लेगा तुम्हारा भाई। कुछ भी ये तो पीछे वाला बोल रहा है, कुछ भी मतलब बोल दिया दोस्तों, टाटा प्राइमा लेने वाला हूँ मैं, देखते हैं कैसा सीन रहने वाला है। बॉर्डर पहुंच चुका है दोस्तों तुम्हारा भाई, और ये लगा हुआ है बहुत तगड़ा जाम यहाँ। मतलब मेरे को पहले ही फोन आ गए थे दोस्तों कि 2-3 दिन लगेंगे कलकत्ता जाने में, और कलकत्ता यहाँ से ज़्यादा भी नहीं है दोस्तों, 250 किलोमीटर होगा लगभग। और 250 किलोमीटर सोचो दोस्तों कि हम 2-3 दिन में जाएंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे जाने में, क्योंकि पुल टूट गया है। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है दोस्तों, देखो जाम कितना तगड़ा दिखाई मेरे को। जाम कितना तगड़ा लगा। अब रात को रोटी का भी भरोसा नहीं, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी देर तक का जाम है कोई भरोसा नहीं होता, जाम का कोई भरोसा नहीं रहता कि पूरी रात लगेगी। हो जाता है चलो, हम भी रेडी होके बैठे हुए हैं, जो कब तक चलेगा देखेंगे। बॉर्डर पे आ गए हैं, पार्किंग है दोस्तों, यहाँ की पार्किंग है, यहाँ चाय वाय पियेंगे, थोड़ी एंट्री वेंट्री कराएंगे और उसके बाद निकलेंगे। एंट्री करा ली है, एंट्री होगी हमारी 2700 रुपये की दोस्तों, और चल रहे हैं फिर यहाँ से पार्किंग पे, बहुत गाड़ी लगी हुई है, और निकलता है फिर तुम्हारा भाई दोस्तों, सफ़र काटता है अपना तुम्हारा भाई। ये देखो मेरी गाड़ी की, और ये देखो और ये भाई बैठ गया भाई गाड़ी में, बैक करते हैं गाड़ी में दोस्तों, निकल रहे हैं अब यहाँ से, चलते हैं तुम्हारा भाई, अब लोकेशन पे निकलेगी गाड़ी हमारी। ये जो गाड़ी खड़ी है ना, पहले मैं यही ये गाड़ी चलाता था, देखो अभी तो मेरे को निकलना है दोस्तों, यहाँ से सारा सामान था गाड़ी। पहले दोस्तों ये गाड़ी चलाता था मैं, वो भी हमारे मालिक की गाड़ी है। Thank you.
दोस्तों पान नगर टोल टैक्स पार कर दिया और अब ढाबे में गाड़ी लगाया तुम्हारा भाई। देखो ये ढाबा भी आ गया। फाइनली दोस्तों तुम्हारा भाई जा रहा है रोटी खाने होटल में। ठीक है दोस्तों, और सबको प्यारी सी गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, क्योंकि एक बज गया दोस्तों और तुम्हारा भाई जा रहा है सोने और रोटी खाने। तो करते हैं ब्लॉग एंड दोस्तों, और दोस्तों प्यार दो यार वीडियो में, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सजेशन भी दो दोस्तों, सजेशन भी दो कि भाई ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ब्लॉग बनाओ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ गिव मी सजेशन एंड मैं आपको बहुत अच्छा काम करके दूंगा वीडियो पे। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।